हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आप लोग कहते रहते हो कि सर हमें ट्रेड लेना तो आ गया है, जो आपने सिखाया था हमें ट्रेड लेना वो तो हमें आ गया है, लेकिन अभी तक स्टॉक सिलेक्शन नहीं आया है। और दोस्तों, इंट्राडे में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो भाई 80% रोल उसमें होता है स्टॉक सिलेक्शन का, और बाकी 20% रोल होता है उसमें आपकी इंट्राडे की स्ट्रेटजी का। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भाई कैसे आप इंट्राडे के लिए स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं, वो भी मात्र 7 मिनट में। सिर्फ 7 मिनट में आप इसमें स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को मिस मत करना, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको भाई ये दो चीज़ हैं जो इस वीडियो को समझने के लिए आनी चाहिए। पहली है कि प्री ओपनिंग सेशन क्या होता है। दोस्तों, आपको पता होगा कि 9:15 पे मार्केट खुलती है और उससे पहले 15 मिनट का प्री ओपन मार्केट होता है, और उसमें डिसाइड होता है कि भाई किसी भी स्टॉक का ओपनिंग प्राइस क्या होगा। तो अगर भाई अभी तक आपको नहीं पता है कि प्री ओपनिंग सेशन क्या होता है, कैसे किसी का ओपनिंग प्राइस डिसाइड होता है, तो भाई उसकी शानदार वीडियो डाली हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं, तभी आपको ये वीडियो समझ आएगी दोस्तों, क्योंकि मैं इसमें प्री ओपनिंग का कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। दूसरा जो है वो है भाई वीवेब की इंट्राडे स्ट्रेटजी। ये आपको ट्रेड लेने में मदद करेगी। स्टॉक सिलेक्शन के बाद भाई ट्रेड भी तो लेना है आपको, तो उसके लिए भाई आपको आना चाहिए वीवेब। ये भी आप भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। दोनों शानदार वीडियो हैं दोस्तों, बहुत ही मजा आएगा आपको जब आप उन दो वीडियोस को देखेंगे। तो अगर आपने ये वीडियोस अब देख लिए हैं तो भाई शुरू करते हैं। तो भाई आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको स्टॉक सिलेक्शन के लिए भाई गूगल करना है एनएससी प्री ओपन। ये आपको दोस्तों करना है 9 बजे से 9:15 के बीच में होता है ना ये, तो ये आपको भाई 9:08 पे, 9:08 के बाद 9:08 होते ही आपको ये करना है, 9:08 पे ही आपको ये करना है एनएससी प्री ओपन। उसके बाद ये लिंक आ जाएगा, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो भाई ये खुल के आ जाएगा। इसमें आपको क्या दिख रहा है भाई, इसमें आपको दिख रहा है ये, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 30 अप्रैल है, 30 अप्रैल को 9:07:59 का डेटा है। इसका मतलब आपके सारे ऑर्डर्स वगैरह इसमें सेलेक्ट हो गए हैं, इसमें सारा डेटा आ चुका है, तो आपको ये 9:08 पे करना है, ठीक है। तो आपने अब इसमें देखा भाई कि निफ्टी ऑलरेडी भाई 2% अप है, इसका मतलब क्या है भाई, बुलिश मार्केट है आज, गैप अप ओपनिंग है 2% की, ठीक है भाई। इसमें से आप देख सकते हैं कि 49 स्टॉक्स अप हैं और एक अनचेंज है, और नीचे एक भी नहीं गिरा है, डेक्लाइन जीरो है। दोस्तों, मैंने आपको बता रखा है भाई, जिस दिन बुलिश मार्केट होगी उस दिन हम बुलिश ट्रेड लेंगे, जिस दिन भाई बियरिश मार्केट होगी उस दिन हम शॉर्टिंग करेंगे। तो दोस्तों, ये आप सबसे पहले ध्यान रखना। तो भाई आपने सबसे पहले देख लिया कि 2% का गैप अप ओपनिंग है मार्केट में। तो अब आप जब इस डेटा में देखेंगे तो आपको देखेंगे भाई ये सबसे पहले लिखा हुआ है टाटा मोटर्स, जो कि ऑलरेडी 9% गैप अप है, और उसके बाद है TCS जो कि है भाई 4% गैप अप है। तो क्या सीधे मैं टाटा मोटर्स खोल लूँ और उसमें इंट्राडे ले लूँ, देख लेते हैं भाई अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या होता है आपके साथ। तो अगर मान लेते हैं आपने टाटा मोटर्स देखा कि भाई सबसे ऊपर टाटा मोटर्स आ रहा है, गैप अप ओपनिंग हुई है, इसका मतलब ये आज भागेगा, तो आप इसमें यहाँ पे ट्रेड ले लेते। वीवेब के अकॉर्डिंग भी अगर लेते तो आप यहाँ पे ट्रेड ले लेते कि ग्रीन कैंडल है, यहाँ पे बुलिश सिग्नल आ रहा है, आप यहाँ पे ट्रेड ले लेते, और फिर पूरे दिन ये आपको स्टॉक रुलाता रहता। क्यों रुलाता रहता, क्योंकि भाई ऑलरेडी इतना ज्यादा गैप अप ओपनिंग थी तो आपको रुलाएगा ही। तो आप फिर यहाँ पे देखते कि भाई MACD ने सेल सिग्नल दे दिया, आप यहाँ पे निकल जाते और ये स्टॉक उसके बाद भागा है, शाम को भागा है, तो शुरू में तो आपको ये रुलाते ही रहता। दूसरा स्टॉक था TCS भाई, अगर TCS में आप सेम करते तो क्या होता, TCS में भी आप देखते कि भाई यहाँ पे बाय सिग्नल मिला है, आप यहाँ पे अपना एंट्री ले लेते, जैसे ही आप वीवेब के ऊपर देखते इसमें एंट्री ले लेते, और ये आपको पूरे दिन रुलाता दोस्तों। तो ऐसा भाई जैसा डेटा दिखा उसी पे क्लिक नहीं कर देना है। जैसे ये आपको डेटा दिखाता है इसका मतलब ये नहीं है कि भाई पहला स्टॉक खोला और इसमें ही हो गया इंट्राडे, भाई ऐसा नहीं करना है। इसमें आपको अपना दिमाग लगाना है, आपको अपनी स्ट्रेटजी लगानी है। वो क्या चीज है भाई, वो मैं आपको बताऊंगा। तो जब आपने ये डेटा खोल लिया भाई, उसके बाद आपको क्या करना है, सीधा पहला स्टॉक सेलेक्ट नहीं करना है, आपको इस पे क्लिक करना है, परसेंटेज चेंज पे क्लिक करना है। जब परसेंटेज चेंज पे क्लिक करोगे आप तो ये क्या हो जाएगा, अभी ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, उसके बाद ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा। जब आप इस पे क्लिक करेंगे ना, परसेंटेज चेंज पे क्लिक करना आप, जब इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये खुल के आएगा, आपके सामने आ जाएगा ये। इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब अब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि पहले सबसे ज्यादा परसेंटेज वाला ऊपर था, अब सबसे कम परसेंटेज वाला ऊपर आ गया है। तो इसका मतलब क्या है भाई, इंफ्राटेल है जिसमें कोई भी गैप अप या गैप डाउन नहीं है, उसके बाद थोड़ा थोड़ा गैप बढ़ रहा है, देख सकते हैं आप गैप अप ओपनिंग बढ़ रही है। परसेंटेज चेंज पे ध्यान देना है आपको, इस कॉलम पे ध्यान दो बस आप परसेंटेज चेंज वाले पे। तो आप देख सकते हैं कि भाई इंफ्राटेल है जीरो। तो दोस्तों ये तो उस दिन बहुत ज्यादा बुलिश मार्केट थी, हो सकता था कि इस दिन कोई लाल भी होते, किसी किसी में गैप डाउन ओपनिंग भी हो सकती थी, तो हो सकता था इंफ्राटेल के ऊपर कोई ए नाम का स्टॉक था जिसमें -0.5%
ऐसा हो सकता था, बी नाम का स्टॉक था जिसमें -1% हो सकता था, ये हो सकता था, तो आपको भाई इन पे ध्यान नहीं देना है। अगर आज बुलिश मार्केट है तो सिर्फ आपको ग्रीन वालों पे ध्यान देना है, ठीक है भाई, और अगर जिस दिन बेरिश मार्केट होगी उस दिन आपको रेड वालों पे ध्यान देना है। तो फिलहाल हम ग्रीन वालों पे ध्यान देंगे, तो इंफ्राटेल को हम छोड़ देंगे, इंफ्राटेल को छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे ग्रासिम पे, तो ग्रासिम में आप देखेंगे भाई कि 0.61% का गैप अप ओपनिंग है, और आप जैसे नीचे आते जाएंगे तो आप देखेंगे कि 1.89 है रिलायंस तक, आपको यहाँ पे 1.89 मिल जाएगा, है ना, ये जो रिलायंस है, ये रिलायंस है यहाँ पे 1.8 के आसपास पहुंच गया है, और मार्केट कितनी गैप अप थी भाई 2%, तो इसका मतलब ये ऑलरेडी मार्केट जितना भाग चुके हैं, ऑलरेडी मार्केट जितना गैप अप ओपनिंग इनमें हो चुकी है, तो हमें भाई वहां तक नहीं जाना है, हमें जाना है जो मार्केट से बहुत कम है लेकिन सेम डायरेक्शन में है। सेम डायरेक्शन का क्या मतलब है कि मार्केट बुलिश है तो बुलिश वाले स्टॉक्स देखने हमें, तो ये सारे बुलिश स्टॉक्स हैं, लेकिन मार्केट से जो कम गैप अप ओपनिंग हुई है वो देखते हैं। तो भाई आपको यहाँ तक, जैसे आप इसमें ऐसा कोई डिस्क्रीट वैल्यू नहीं होती दोस्तों, जैसे मार्केट 2% भागी हुई है तो आप भाई यहाँ 1.2% तक कहीं तक ले सकते हो, मान लेते हैं कि आपने ये स्टॉक्स ले लिया है ना, उसके बाद जाओगे तो 1.8-1.5 आ जाएगा, वो ऑलमोस्ट मार्केट के जितना हो जाएगा। तो मान लेते हैं आपने यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया, तो भाई अब इन स्टॉक्स को, ये जितने भी स्टॉक्स है ना, इनको अपनी वॉच लिस्ट में लगा लो, लगा लिया वॉच लिस्ट में, अब भाई इसमें से जो भी स्टॉक आपको पसंद है भाई वो उठाओ और उसमें से रिजेक्ट करना स्टार्ट करो। जैसे कि भाई आपने ग्रेसिम उठा लिया, ठीक है भाई, आपने ग्रेसिम उठा लिया, आपने पहले दो कैंडल तो वेट किया, ये क्यों वेट कर रहे हैं हम, ये मैंने पूरा वीवेप में आपको समझा रखा है, इसलिए मैंने आपको कहा जब तक आप वीवेप नहीं देखेंगे आपको ये वीडियो समझ नहीं आएगी। तो आपने ये दो कैंडल के लिए वेट किया, तीसरी कैंडल आपने देखी रेड बनी है ना, यहाँ पे बाय सिग्नल तो आ गया था लेकिन तीसरी कैंडल रेड बनी है और उसके बाद देखो वीवेप के नीचे जाने लगा है, तो भाई ये स्टॉक हो गया रिजेक्ट, ग्रेसिम आपने रिजेक्ट कर दिया। ऐसे ही भाई अगले स्टॉक पे आ जाते हैं, अब आ जाते हैं भाई कोटक बैंक पे, तो आपने देखा भाई कोटक बैंक में आपने दो कैंडल तो वेट किया, यहाँ पे आपका बाय सिग्नल मिला था लेकिन भाई तीसरी कैंडल बन गई रेड, और उसके अलावा दोस्तों ये जो दो कैंडल हैं इसमें ही ऑलरेडी इतना ज्यादा भाग गया है, एक तो ऑलरेडी ये 0.9% गैप अप था, उसके बाद इन दो कैंडल्स में ऑलरेडी इतना ज्यादा भाग गया है ये, और तीसरी कैंडल बनी है रेड, तो भाई ये स्टॉक भी आप कर दोगे रिजेक्ट, आपने ये कर दिया रिजेक्ट। उसके बाद भाई आप टाइटन को देखो, जैसे ही आप टाइटन पे जाएंगे यहाँ पे आपको मिला बाय सिग्नल, यहाँ पे आराम से आपने ये दो कैंडल वेट किया, ठीक है, आपने तीसरी कैंडल देखी वो भी भाई इतनी शानदार ग्रीन कैंडल बनी है, नीचे बाय सिग्नल है, इसका मतलब कोई भी रेड फ्लैग नहीं है, आपने सीधे भाई यहाँ पे एंट्री ली, और फिर देखो दोस्तों क्या मजा बना है, ये आपने भाई 950 पे आपने एंट्री ली और भाई यहाँ तक आपने, यहाँ तक मजा उठाया, ये है दोस्तों ऑलमोस्ट 975 के आसपास है ये, और तो ये हो गए आपके भाई 3% हो गए दोस्तों, ऐसे सेलेक्ट किए जाते हैं स्टॉक्स। उसके बाद भाई मान लेते हैं कि आप गए अल्ट्रा सीमेंट पे, जब आप इस पे गए तो आप देखेंगे भाई कि आपने ये दो कैंडल छोड़ दिए, भाई तीसरी कैंडल बनी है ग्रीन, यहाँ पे आपको शानदार बाय का सिग्नल मिला है, आपने इसमें एंट्री ली भाई, और ये आपने एंट्री ली है करीब 3480 के आसपास, ये आपने एंट्री ली है भाई, और यहाँ पे आपने बनाए हैं 3500, ये कितना है दोस्तों 3545 के आसपास, तो भाई आपने शानदार कितने बनाए हैं भाई, शानदार 2% आपने इसमें बनाए हैं। ऐसे भाई आपको स्टॉक सेलेक्ट करने हैं, और सेलेक्ट क्या करने हैं, आपको स्टॉक सेलेक्ट करके उसमें से रिजेक्ट करने हैं, और जिस स्टॉक में भाई कोई भी रेड फ्लैग ना हो दोस्तों उसमें आपको ट्रेड लेना है, और फिर आपको आएगा मजा दोस्तों। तो आपके लिए एक बार समराइज कर देता हूं दोस्तों कि आपको सबसे पहले भाई मार्केट को देखना है प्री ओपन में, सबसे पहले आपने मार्केट देखा, मार्केट बुलिश है या बेयरिश है, मार्केट 2% अब खुली थी इसका मतलब मार्केट बुलिश है भाई, अगर मार्केट गैप अप है तो आपको सिर्फ लॉन्ग ट्रेड्स लेने हैं, मार्केट अगर गैप डाउन है तो आपको सिर्फ शॉर्ट ट्रेड्स लेने हैं, उल्टा मत करना दोस्तों, आप मार्केट के अगेंस्ट जाते हो इसलिए आपको कभी कभी नुकसान हो जाता है। उसके बाद भाई आपको स्टॉक्स देखने हैं जिनका मोमेंटम की डायरेक्शन तो सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड कम है, डायरेक्शन का क्या मतलब भाई कि अगर मार्केट गैप अप है तो आपको भी वो स्टॉक्स देखने हैं जो पॉजिटिव में ओपन हुए हैं, दिखाया था ना मैंने जैसे आपको ग्रीन में जो ओपन हुए हैं उनकी तरफ देखना है, तो ये तो हो गई मोमेंटम की डायरेक्शन, डायरेक्शन सेम होगी दोनों की ग्रीन। उसके बाद मैग्नीट्यूड कम होना चाहिए कि मार्केट अगर 2% अप है तो आपको देखने हैं जो 0 से 1 या 1.5 मैक्स तक जो गैप अप ओपनिंग के साथ हुए हैं, ये नहीं भाई कि 2% से गैप अप खुला था मार्केट और आपने भाई टाटा मोटर्स जो 10% गैप अप के साथ खुला है वो चूज कर लिया दोस्तों, ये स्ट्रेटेजी गलत है और इसमें आप मात खा सकते हैं, हो सकता है कभी कभी आपको प्रॉफिट भी हो जाए लेकिन भाई मोर ऑफन देन नॉट आप गलत हो जाएंगे। तो आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे ध्यान देना है, मैग्नीट्यूड कम होना चाहिए, मोमेंटम सेम होना चाहिए,
उसके बाद जब आपने ये स्टॉक्स ले लिए, इस पॉइंट में आपने जब ये स्टॉक सेलेक्ट कर लिए 10-15 जो भी स्टॉक्स हैं, उसके बाद रिजेक्ट करना स्टार्ट करो, मार्केट ओपन हो जाएगी। आपको तो भाई 30 मिनट बाद ट्रेड लेना है ना, आपको 2 कैंडल वेट करना है, उस 30 मिनट में अपना रिजेक्शन चालू करो। जब आप रिजेक्शन चालू करेंगे तो उस 10-15 में से मुश्किल से 2-3 स्टॉक्स बचेंगे, उन 2-3 स्टॉक्स में आपको लेना है ट्रेड। तो अब बताओ भाई मजा आया कि नहीं आया, दिल पे हाथ रख के बताना दोस्तों, और दिल पे हाथ रख के ही बताना कि आपको वीडियो पसंद आई कि नहीं आई। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना वीडियो।